वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, मैं उराइल गिल और आप देख रहे हैं कॉमन सेंस। अब वक्त हुआ है हमारे दूसरे सवाल का और अब मैं मौजूद हूँ लाहौर की एक और मार्केट में जिसका नाम है लिंक रोड। यहाँ पे पूरी जो रोड है वो तारिक रोड जैसा है और ये लोग बीच में से गुजर जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हर किसी के पास कॉमन सेंस नहीं होता इसलिए ऐसा होता है। खैर दूसरा भी गुजर गया, कोई बात नहीं। चले सवाल बताता हूँ आज का। दूसरा सवाल ये है कि क्या एक शख्स अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। देखते हैं यहाँ जितने लाहौर में कॉमन लोग हैं उनके पास सेंस है या नहीं है। कराची में तो है, थोड़ा बहुत है, यहाँ देखते हैं कितना है। तो चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कि कितना कॉमन सेंस है। आ जाएं। क्या एक शख्स अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। एक आदमी है वो अपनी बेवा की बहन से शादी करेगा या नहीं करेगा। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। क्या एक शख्स, एक इंसान अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। नहीं। क्यों? अपनी बेवा की बहन से ताली हुई ना उसकी। हाँ जी, कर सकता है बिल्कुल, इस बात की इस्लाम भी इजाज़त देता है। बेवा कर सकता है। एक शख्स है बेवा की बहन से शादी कर सकता है। कर सकता है या नहीं। एक शख्स बेवा की बहन से। बेवा की बहन से हाँ जी, तकरीबन कोई कर भी सकते हैं कोई नहीं भी कर सकते हैं। अगर सोचो एक शख्स है वो समझ जितनी है उतना ही काम करना है ना। कर सकता है नहीं कर सकता। कर सकता है। क्यों? क्यों, वो अगर उसको मतलब अच्छा लगता तो कर लेगा। नहीं, अच्छा लगने की बात नहीं ना, कर सकता है नहीं, ये बात। अपनी बेवा की बहन से वो अगर मतलब बचपन की मोहब्बत तो शादी किसी और से हुई। हो सकता है। फिर एक सोचे ना क्या है, क्या जवाब है। अगर दोनों का आपस में मतलब के है, दोनों क्या है मैं चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कर सकता है। हाँ। बेवा की बहन से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सुन ले भी कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। वो अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है नहीं कर सकता। ये कैसा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल। लव कर रहे हैं, लव कर रहे हैं आप। कॉमन सेंस होता है आप में है। जी बिल्कुल बिल्कुल है। बताएं एक शख्स है, क्या वो अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है। बेवा की बहन से बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है। इसलिए कि वो उसकी साली लगती है भाई। तो कर लेगा। जाहिर सी बात है, अगर तो वो बीवी ही फौत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है। वैसे कर सकता अगर उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी है। क्या पता उसकी साली से उसका चक्कर हो बचपन में। यह भी बात आपकी है। अगर उसकी मर्जी हुई तो कर लेगा वो। नहीं तो सोचो ना क्यों करेगा। मजबूरी होगी उसकी, कोई ना कोई करेगा। ऐसी कौन सी मजबूरी भाई। नहीं बेवा से वैसे उसको जरूरत ही क्या पड़ी है करने की। जब वो बेवा है उसकी बीवी तो फौत हो गई ना, तो उसका अपनी साली से कर सकता ना। कर लेगा। हाँ। तो जितनी समझ है आपकी उतना जवाब दे दें कि वो करेगा या नहीं। भाई नहीं कर सकता वो। क्यों? बात वो उसके पेट में दर्द है। अगर आप फॉर एग्जांपल खुदा ना करे, क्या आप अपनी बेवा की बहन से शादी कर लेंगे। हो सकता। हो सकता नहीं, कंफर्म जवाब। हाँ हाँ जी, नहीं कोई बुरी बात तो शादी हो गया मैं। हाँ जी शादी हो गया। चलें जी सुन ले क्या कह रहे हैं। बीवी फौत हो जाएगी तो शादी तो साली नहीं कोई और किसी और से नहीं कर सकता। क्यों कर सकते साली क्यों। जाहिर सी बात है बेवा की बहन तो वही लगेगी ना। अगर आप वो खुदा ना खास्ता ऐसे करेंगे आप भी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन की जगह पे होगी। अगर छोटी होगी तो मेरी बहन की जगह पे होगी, अगर बड़ी है तो मेरी माँ की जगह पे होगी। बेवा से नहीं, बेवा की बहन से। बेवा की बहन से कर सकता है। कर लेगा। कर लेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल खुदा ना करे आप अपनी बेवा की बहन से शादी कर लोगे। मेरी जो बीवी मर जाएगी ना तो बेवा हो गई मेरी, तो मैं उसकी बीवी से बहन से शादी कर लूँ। यार कॉमन सेंस वाली बात है ये तो। बता ना जवाब दे भाई। जवाब ही नहीं आ रहा ना। ये कॉमन सेंस की बात है, जवाब नहीं आ रहा है? मेरे इधर में नहीं है। आप लाहौर से हैं या कहीं और से हैं? लाहौर से हैं। यहाँ कितने अरसा हो गया आप रहते हो? तकरीबन मेरे यहाँ यहीं पे हूँ। यहीं पे बचपन से यहीं पर हैं और इनका कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा। आपका कर रहा है। आप बता सकती हैं कि एक शख्स है क्या वो अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है नहीं कर सकता। अपनी बेवा की बहन से ऑब्वियसली कर सकता है। आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हैं, फिर भी ये गलत जवाब दे रही हैं भाई। सोचें तो उसी से कर लेगा। अगर तो जाहिर सी बात है क्लोज रिश्ता होगा तो लाजमी करेगा उसके से। कर लेगा। चलिए ये कह रहे हैं कर लेगा, किसी और से पूछते हैं करेगा या नहीं करेगा। आ जाए। ये टीवी के सामने कह रहे हैं ना वरना। क्यों नहीं नहीं, वैसे भी होता तो ऐसे ही करता, क्योंकि मैंने खुद भी ना लव मैरिज की है। कितनी जल्दी करेगा, 5 मिनट में या 1-2 साल लगा देगा।
दिन जितना उसे टाइम चाहिए होगा इतना ही लगाएगा, एक तो 5 मिनट में थोड़ी ही होती है। ले, एक बस इतना सा तो बोलना होता है कबूल कबूल कबूल। कबूल पूर्ण भी बोलने के लिए बड़ा कुछ चाहिए होता है। बेवा का मतलब पता है? बेवा वही ना, बेवी तो बेवा होगी ना। इसकी बात है, जहाँ मर्जी ले जाए ना, बेवी तो बेवा होगी ना। मेरी जो बीवी है वो फोत हो गई, वो मेरे लिए बेवा होगी। बेवा होगी? हाँ, मेरे लिए तो बेवा होगी ना। उसकी जो सिस्टर होगी उससे मैं शादी कर लूँगा। मतलब आपकी बीवी जो है, हाँ, वो खुदा ना खास्ता अगर बेवा हो जी, तो आपकी बीवी की जो बहन है वो आपकी साली लगी ना जी, तो उससे शादी हो आप कर लेंगे? नहीं करेंगे? कर लूँगा। क्या आप बता सकते हैं कॉमन सेंस एक चीज़ होती है? कॉमन सेंस है आप में? कराची से आया हूं मैं, कॉमन सेंस का प्रोग्राम करता हूँ, देख रहा हूँ लाहौर के लोगों में कॉमन सेंस है या नहीं। तो एक सवाल है, बताएं क्या एक शख्स एक इंसान अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता? ये रिलीजियस नहीं पूछ रहा, वैसे जनरली पूछ रहा हूँ। अपनी बेवा की बहन से? हाँ, मतलब साली हुई ना उसकी, वो तो बेवा है, तो उसका मियाँ तो मर गया है। अच्छा, पक्की बात है? हाँ जी। बेवा किसे कहते हैं? जिसका मियाँ मर जाए। पक्की बात है? जी पक्की बात है। क्या नाम आपका? हिफ्जा फातमा। हिफ्जा फातमा, एक पहली खातून मुझे लाहौर में ऐसी मिली है जिनके पास कॉमन सेंस भरपूर है, और बिल्कुल सही जवाब दिया कि बेवा की बहन से कभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद ही मर गया है। कर लेंगे? हाँ। क्या वो तो मरे हुए हैं? वो मरे हुए हैं? हाँ। बेवा कैसे हुई है वो? कितने कोई 25 साल बाद इनको याद आ गया। क्यों मर गए? क्या नाम है? उसामा। उसामा साहब के बाद इतना सा छोड़ के गया था, इतने होके याद आया कि वो मर चुका है। हाँ, नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज के वो खुद मर गया तो अपनी उसकी बहन से कैसे शादी करेगा। पक्की बात? जी। बहुत ही आला इन्होंने जवाब दिया है कि वो खुद मर चुका है तो अपनी बेवा की बहन से कैसे शादी करेगा। तो ये था आज का हमारा दूसरा सवाल, और लाहौर के हम एक बहुत ही अच्छी मार्केट में है, लिंक रोड है इसका नाम, और यहाँ पे शॉपिंग लोग करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो सवाल कुछ यूँ था कि क्या एक शख्स अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये यहाँ सारे लाहौर के लोग बड़ी रॉकेट साइंस में लग जाते हैं कि ये होगा वो होगा, हाँ भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं शादी कर सकते, उसकी तो साली है। तो ये सोचें, जो शख्स है जब उसकी बेवा होगी तो वो खुद ही ज़िंदा नहीं होगा, तो वो अपनी बेवा की बहन क्या दुनिया में किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। सीधा सीधा इसका जवाब है, यही कॉमन सेंस है। आप अपना कॉमन सेंस लड़ाएं और हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे मच्छर घूम रहे हैं, इनसे बचते हैं, ब्रेक लेते हैं और हम मिलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट में। आ जाएं।